प्लास्टिक द प्रॉब्लम। 1950 से लेकर आज तक पूरी दुनिया में अराउंड 9.2 बिलियन टन प्लास्टिक प्रोड्यूस हुआ है, जिसका वजन अप्रोक्सीमेटली 13 लाख एफिल टावर जितना होता है। बट वेट, असल में प्लास्टिक है क्या? प्लास्टिक कई प्रकार के होते हैं, पर पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा यूज होने वाला प्लास्टिक पॉलीथिलीन टेराप्थलेट है, क्योंकि यह सबसे सस्ता और मजबूत है, और इससे प्लास्टिक बॉटल्स, प्लास्टिक बैग और भी कई सारी चीजें बनाई जाती है। हर मिनट में अराउंड 140 करोड़ प्लास्टिक बॉटल्स और प्लास्टिक बैग्स खरीदे जाते हैं। जिस प्लास्टिक से ये बॉटल्स और बैग्स बनते हैं वो हाईली रिसाइकलेबल है, पर एक साल में जितना प्लास्टिक हम यूज करते हैं उसका सिर्फ 9% प्लास्टिक रिसाइकल होता है। वेट, तो बाकी सब कहाँ जाता है? हर साल 12 मिलियन टन प्लास्टिक, यानी कि हर एक मिनट में एक बड़ा प्लास्टिक से भरा ट्रक छोटे छोटे गटर और नदी नाले में से समुन्दर में चला जाता है। ज्यादातर प्लास्टिक हजारों माइल ट्रेवल करके दुनिया के 5 सबसे बड़े गार्बेज पेच में जाते हैं। पूरी दुनिया जो भी प्लास्टिक वेस्ट समुन्दर में डालती है वो सभी यही 5 गार्बेज पेच में जमा होती है। सबसे बड़ा गार्बेज पेच पैसिफिक महासागर में मौजूद है, जिसकी साइज मुंबई सिटी से 350 गुना बड़ी है। कई पंछी और समुद्री जीव इन प्लास्टिक को खाना समझकर या एक्सीडेंटली खा लेते हैं। प्लास्टिक ना पचने की वजह से उन्हें लगता है कि पेट भरा हुआ है, और इसी तरह हर साल लाखों समुद्री जीव भूख मरे की वजह से मर जाते हैं। कई समुद्री जीव इन प्लास्टिक के छोटे छोटे टुकड़े कर देते हैं, जिसे हम कहते हैं माइक्रोप्लास्टिक। माइक्रोप्लास्टिक इतने छोटे होते हैं कि वो कई मछली के शरीर के आर पार जा सकते हैं, इसलिए इन माइक्रोप्लास्टिक को पानी से अलग करना बहुत ही मुश्किल है। आज ये बात 100% प्रूव हो चुकी है कि प्लास्टिक हमारे फूड और पानी में मौजूद है, पर अभी तक हम ये पता नहीं लगा पाए कि प्लास्टिक हमारी बॉडी के लिए कितना जानलेवा है या फिर आने वाली जनरेशन को किस तरह के प्रॉब्लम झेलने पड़ सकते हैं। अगर हम बात करें वो प्लास्टिक की जो समंदर में नहीं जाता पर लैंडफिल यानी कूड़े कचरों में पड़ा रहता है, ये सारा प्लास्टिक बारिश में पानी के संपर्क में आने की वजह से बहुत ही टॉक्सिक केमिकल रिलीज करता है, फिर वो केमिकल भी समंदर में चले जाते हैं और फिर से हजारों समुद्री जीव मारे जाते हैं। प्लास्टिक फायदेमंद भी है और हानिकारक भी, पर हम प्लास्टिक इसलिए यूज करते हैं क्योंकि हमारे लिए प्लास्टिक ज्यादा फायदेमंद है, राइट? पर उन हजारों समुद्री जीव के लिए मौत, तो क्या ये सही है? अगर ये सही है तो वो पॉलिटिशियन भी सही है जिसके बारे में आप रोज कंप्लेन करते हो, वही पॉलिटिशियन जो अपने 4 फैमिली मेंबर का पेट भरने के लिए आप जैसे 40,000 लोगों को लूटते हैं। अगर आप सही हो तो वो लोग भी सही है। अगर आप जो कर रहे हो प्लास्टिक के साथ वो सही है, तो फिर वो टेररिस्ट भी सही है जो अपने फायदे के लिए आप जैसे हजारों लोगों को मौत की नींद सुला देता है। अगर आप जो प्लास्टिक के साथ कर रहे हो वो सही है, तो फिर वो प्रोफेसर भी सही है जो सिर्फ अपने फायदे के लिए पढ़ाने आते हैं, सिर्फ अपने मजे के लिए, सिर्फ सैलरी के लिए। तुम बच्चों का कुछ भी हो, मुझे क्या।